हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। जो आंसर ठीक है उसको हमें टिक करना है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज। हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, देन वो क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखो, स्क्वायर की डायगोनल इक्वल भी होती है, बाइसेक्ट भी करती है, बट बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे, तो स्क्वायर इस ऑप्शन से हमारा कट हो गया, स्क्वायर भी नहीं है। सिमिलरली रोम्बस की डायगोनल भी बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब अगर हम अपना थर्ड वाला ऑप्शन देखें, पैरेललोग्राम की डायगोनल के बारे में क्या कहा जाता है। जब भी डेफिनेशन की बात होती है पैरेललोग्राम की डायगोनल की, तो कहा जाता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं कहा जाता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है, बाइसेक्ट भी करती हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती। हम लोगों को एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बताना था जिसकी डायगोनल इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती है। तो रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल भी होती है, बाइसेक्ट करती हैं, और जो वो जहाँ पर वो बाइसेक्ट करती हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बनता। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन फोर जो है करेक्ट जाता है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें लेंथ दी है रेक्टेंगल की और डायगोनल दी है रेक्टेंगल की, हमें फाइंड आउट करके देनी है ब्रेथ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 8 सेंटीमीटर। अभी हमें एक डायगोनल भी दी हुई है, कोई सी भी एक डायगोनल आप लोग ड्रॉ कर लो। लाइक मैंने इस तरह से ये डायगोनल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ता है। अभी ब्रेथ हमें दी नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। डायगोनल हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल हमारा, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है। हम काम करेंगे इस ट्रायंगल में, इसका नाम मैंने रख लिया ABC। अगर रेक्टेंगल का नाम मैं रखूँ तो ABCD है, जबकि हमें काम करना है ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, इसलिए मैंने वो डी वाला पॉइंट इरेज ही कर दिया, ताकि आप लोगों का माइंड मैं सेट कर सकूँ। वैसे तो ये MCQs था, हमें इसको सोल्व करके दिखाना नहीं था, बट मैं आपको इसको सोल्व करके ही दिखा देती हूँ, एक मिनट लगने वाली है। सबसे पहले हम लिखते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपरटेन्यूज जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी नज़र आ रही है, AC। AC क्या है, 10। इट मीन्स हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास, 8। 8 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास नहीं पता, इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल की है ब्रेथ और हमें इसको फाइंड आउट करके देना है, तो इसको हमने ब्रेथ लिया, ठीक है। ब्रेथ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 जा 100, दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 जा 64 प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अभी ये 64 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये 100 में माइनस होगा, हम लिखेंगे 100 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर। ब्रेथ का स्क्वायर आप चाहें तो इस स्क्वायर की इसी टाइम ट्रांसपोजिंग कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से अगर मैं इरेज कर दूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर है उसका क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। 100 में से 64 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास ब्रेथ आती है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। इस तरह से हमारा ब्रेथ क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है, यहाँ पे हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। अभी सी पार्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें ये ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, जिसमें से ये वाला एंगल 100 डिग्री का दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADO। मैं एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, कौन से एंगल की बात हो रही है।
स्टार्टिंग हो रही है ए से लाइन जा रही है डी पे, डी से आ रही है ओ पे। तो मेनली इस एंगल की बात हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम करना होगा, और इसका ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ ये जो है 100 डिग्री का दिया हुआ है। ये दोनों एंगल मिलके एक देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये अगर 100 डिग्री का है तो ये अंदर वाला एंगल कितने का हो गया, 80 डिग्री का। ये एंगल हो गया 80 डिग्री का। अच्छा, जो डायगनल है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी साइड ये हमारी डी ओ है ना, उतनी ही साइड ए हो है। इट मीन्स जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स है। अगर अब हम इस ट्राइंगल में काम करें तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस एक्स और तीसरे वाला एंगल कितना है 80 डिग्री। ये तीनों मिलके कितने का बना रहे हैं 180 डिग्री। छोटे वाले ट्राइंगल में हमने यूज़ किया ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, ये 2x बनाएंगे, x और x मिलके आपस में 2x बनाएंगे। 2x और 80 डिग्री की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये क्या करेगा, ये 180 डिग्री में माइनस होगा। 180 डिग्री में से 80 डिग्री आपने माइनस किया तो कितना आया 100 डिग्री। अब क्या करो, इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर दो राइट हैंड साइड। ये x में मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके ये डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। ये रफ काम है, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आया। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। द डायगनल ऑफ अ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। हमें यह रोम्बस की डायगनल दी गई है और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है रोम्बस की। फिगर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, देन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। मैंने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम मैं और रख देती हूँ ए बी सी डी। अभी हमें डायगनल्स का मेजरमेंट दे रखा है तो हम लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और दूसरी वाली डायगनल ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दोनों डायगनल्स के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। अभी आपको क्या पता है, जो ये डायगनल है रोम्बस की ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो अब हम काम करेंगे, एक कोई से भी ट्राइंगल में काम कर लीजिए। ये देखो रोम्बस की डायगनल 4 ट्राइंगल बना रही है। आपका मन करे उस ट्राइंगल में आप लोग काम कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट रखा, हम काम कर रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी में। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी हम इस ट्राइंगल में कौन सी साइड यूज कर रहे हैं, या ए ओ साइड। हम ए ओ साइड निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल्स टू, ये क्या है ए सी का हाफ है। अभी हमने लिखा ना डायगनल जो है बाइसेक्ट करती हैं उसकी रोम्बस की। तो ए सी है 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा ये है 4 सेंटीमीटर, ओके। अभी हम बी ओ निकालेंगे, बी ओ क्या होगा, बी डी का हाफ होगा। बी डी क्या है हमारे पास 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा, ओके। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। अब आपको पता है राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। हमें बेस पता है, हमें हाइट पता है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ए बी रेक्टेंगल की लेंथ ही है, क्वेश्चन में हमें लेंथ ही निकाल के देनी है। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम ईजीली इसको निकाल सकते हैं। अभी हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ए बी, जो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना उससे अपोजिट की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अभी हम लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारा बी ओ, ओ बी या बी ओ एक ही चीज़ है, बी ओ का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारे पास ए ओ, ए ओ का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इनकी हम लोग वैल्यू रख देंगे, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा कितना होता है सिक्सटीन, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन में सिक्सटीन ऐड किया तो ट्वेंटी फाइव। अभी इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे, हमें चाहिए थी ए बी की लेंथ, तो अभी ये स्क्वायर जाके राइट हैंड साइड क्या करेगा स्क्वायर रूट बनाएगा, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट क्या होता है फाइव, स्क्वायर रूट के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं ना फाइव इंटू फाइव, और जब भी ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना होता है तो हमें पेयर बनाना होता है, पेयर में से एक फाइव नीचे आएगा, क्या आएगा हमारे पास ए बी इक्वल है फाइव, और यूनिट क्या थी हमारी सभी सेंटीमीटर, ए बी क्या है साइड है ना रोम्बस की, तो हमें लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज फाइव सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, फाइंड एंगल ओ पी एस इफ एंगल क्यू ओ आर इज गिवन। हमें बताया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका हमें ये वाला एंगल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी एस, मीन्स ओ पॉइंट से पी पे जा रहे हैं और पी से एस पे जा रहे हैं, कौन से एंगल की बात हो रही है पी एंगल की, मिडल में पी एंगल आ रहा है ना, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करके देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, मीन्स जितने डिग्री का एंगल ये है उतने ही डिग्री का एंगल ये भी है। ये जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है हम इसको लिख देते हैं, ये है 42 डिग्री का, अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके भी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, हम लिखते हैं कि एंगल एस ओ पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर, इस तरह से एंगल एस ओ पी हमारे पास कितने का आ गया है 42 डिग्री का, क्योंकि हमें क्यू ओ एस एंगल जो है गिवन है जो कि है 42 डिग्री का। ओके अब हमें निकाल के देना है ये वाला एंगल, तो अभी हम क्या करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम करेंगे जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं इसके पीछे का हमें रीज़न बताना होगा, क्योंकि एस ओ साइड इक्वल है पी ओ के, हम काम कर रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस ओ पी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द डायगोनल ऑफ आर रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या है एस ओ इक्वल्स टू पी ओ, तो ये क्या हो गया है, ये छोटे वाला ट्रायंगल क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए ये एंगल क्या है इक्वल होंगे। इन एंगल्स का नाम मैं रख लेती हूँ एंगल, ये है एंगल वन और ये है एंगल टू, यहाँ हम लिख देते हैं कि एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, पीछे ब्रैकेट में रीजन डालेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम होती है और ये हम लोग नाइन्थ में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। जब ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है इट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो उसके जो साइड इक्वल होती है ना उनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी ट्रायंगल में हम काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 42 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने दिखाया था कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल टू को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगल वन से, यहाँ मैंने एंगल टू की जगह पे क्यों लिखा है एंगल वन,
क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये दोनों इक्वल है। एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस 42 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों ही हैं एंगल वन, ये ऐड हो जाएंगे, ये टू टाइम्स एंगल वन बनाएंगे, ठीक है। और जो ये 42 डिग्री है इसकी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये प्लस है तो राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, ये माइनस करेगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और माइनस करेंगे तो 138 डिग्री हमारे पास आएगा। डिग्री का साइन लगाना है। टू टाइम्स एंगल वन इक्वल्स टू 138 डिग्री। अभी हम इस टू की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये वन एंगल वन से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं टू टाइम्स बोल रही थी ना, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एंगल वन इक्वल्स टू 138 डिवाइड बाई टू, डिग्री का साइन भी लगाना है। टू की टेबल से इसको काटेंगे, 69 पे ये जा रहा है। इस तरह से एंगल वन, एंगल वन हमने अज्यूम किया था ना कि एंगल ओ पी एस को हमने एंगल वन माना था, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 69 डिग्री का आ गया, और यही हमें निकालना था। अभी हम अपना बी पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के भी बी पार्ट में हमें पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इरेज करके मैंने इस क्वेश्चन को दिया है बी पार्ट नाम। और जो यहाँ पे ना 42 डिग्री के प्लेस पे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 56 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज अटैम्प होगा। पहले हमने ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल कितने का आ गया हमारे पास, 56 डिग्री का। हमने यहाँ पे यही लिखा कि एंगल एस ओ पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर, यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से हमारे पास एंगल एस ओ पी कितने का आ जाएगा, 56 डिग्री का। अभी हम काम करेंगे अपने एस ओ पी ट्राइंगल में, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, द डायगनल ऑफ आर रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयर फॉर वट वी हैव, हमारे पास एस ओ इक्वल्स टू पी ओ, तो हमारे पास जो एंगल वन है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, जो ये साइडें हैं इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसको नाम मैंने एंगल दिया वन और इसको दिया एंगल टू। और यहाँ पे हमने थ्योरम क्या लिखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास क्या आता है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस थर्ड एंगल कितने का है, 56 डिग्री का। 56 डिग्री ये इक्वल है 180 डिग्री के। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। अभी वापस से हम अपने एंगल इसको टू को रिप्लेस करेंगे, एंगल टू किसके बराबर है, एंगल वन के। यहाँ मैंने लिखा टू के प्लेस पे एंगल वन, आगे है एंगल वन प्लस में लिख देंगे प्लस 56 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम अपना आगे का काम करते हैं। ये दोनों ही है एंगल वन, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये टू टाइम्स एंगल वन बनाएंगे, प्लस 56 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, इस 56 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, टू टाइम्स एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 56, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस था तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का होगा। 180 डिग्री में से हम लोग माइनस करेंगे 56, तो हमारे पास क्या आएगा, 124 डिग्री। ये है हमारे पास टू टाइम एंगल वन। अभी हम इस टू की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये एंगल वन से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, 124 डिग्री को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 62 डिग्री आंसर आएगा। एंगल वन जो कि हमने अज्यूम किया था, कौन सा एंगल है, एंगल ओ पी एस, और यही हमें निकालना था, ये कितने का आ गया है, 62 डिग्री का।